राम राम सारे ने, मैं हूँ तारक लैक कुसुम गोयत। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रोमांचक कह सको मैं होने वाली है, क्योंकि भाई तमने फिल्म देखी होगी करण अर्जुन, उसमें देख सको कि भाई पिछला जन्म मैं अगला जन्म, मतलब जन्म ले ला है, पुनर्जन्म की बात भी सुनी होगी, कहानी भी सुनी होगी, फिल्म भी देखी होगी। लेकिन आज मैं तरते इसे शख्स से मिलाने वाली हूँ जो वाकई में इस घटना ने सच्ची साबित करा, यानी कि सच में वो पुनर्जन्म लिया है उसने, यानी कि अगला जन्म लिया। उसके मम्मी पापा आते भी मेरे गले मौजूद हैं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि देव मेरे गले मौजूद है, जो वो छोरा है जिसने जन्म लिया है दोबारा, और आंटी जी है, आंटी और अंकल जी भी मौजूद है। सबसे पहले जी आंटी जी राम राम। राम राम अंकल जी राम राम। राम राम बेटे, राम राम। खूब बढ़िया बेटे। और भाई ठीक है? हाँ ठीक हूँ। तो देव है, देव तो तेरा आड़े का नाम है ना? हाँ। अगला के नाम था परविंदर। परविंदर नाम था। तो सबसे पहले मैं आंटी से पूछना चाहूंगी, क्योंकि माँ ने अपने बालक का घना बेरा होया करा है ना। आंटी तो मैं पूछना चाहूंगी कि भाई कै साल का था देव जब आपने जब यू इसी एक्टिविटी करण लग गया कि भाई पिछला जन्म? पौने दो साल का था। मतलब हर चीज बताया करता, जिस तरह पापा का नाम उड़े का बताया करता। अच्छा। हमारे का पूछते तो जैसे वहाँ ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर से लगाव बहुत ज्यादा था, ये बिल्कुल साफ बोल के बताया करता, हर चीज बताया करता, अपनी माँ बाबू का नाम, सब का नाम, जिस तरह इनके घर में ट्रैक्टर था या भैंस थी, जो भी था सब कुछ बताया करता, गांव का नाम बता दिया करता। हाँ, तो ये 6 महीने तक बताता रहा था। अच्छा। और हाँ, आस पड़ोस के सब आदमियों से बताया करता, यूँ पड़ोसी पड़ोसी होते हैं, मतलब पिछले जन्म के बतांदा तारे नाम नहीं बताया करता ना, मारे ना बताया करता है। अच्छा, फिर आपने के फील आई कि भाई? फिर 6 महीने तक ये अड़ोसी पड़ोसी सब तो बताता रहे, सब चढ़ावा सा देते रहे कि और ज्यादा पूछते सब। अच्छा। तो और ज्यादा बता देता और ज्यादा। फिर इसका एक दिन ऐसा आ गया कि मतलब खाना पीना छोड़ के उड़ जान का मन कर गया कि मैंने लेके जाओ। अच्छा। जब हम इसने मिला के लाए थे, जब मिला के लाए जब ये 2.25 साल का था, 6 महीने के बाद लेके गए थे हम इसको। अच्छा जी। अच्छा, तो आपका पिछली फैमिली के बारे में पूछूं तो भाई कौन कौन था परिवार में आपका? मैं, मेरी मम्मी, मेरा पापा, भाई बहन। भाई बहन। तो आपकी मतलब डेथ को करो ही थी पिछले जन्म में? ट्रेन नीचे आ गया था, एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट मतलब हो गया था ना, गलती से मतलब धक्का दे दिया था किसी ने। धक्का दे दिया था किसी ने? हाँ। कुछ याद है किसने के दिया था? नहीं, लोगों को नहीं याद है। के काम करा करते आप पिछले जन्म में? वैसे तो मैंने मैकेनिक, खुद की वर्कशॉप थी, मैकेनिक था मैं, पर फार्मिंग भी थी। अच्छा। हाँ, ट्रैक्टर थे, ट्रक थे, फार्मिंग भी कर लेते थे साथ साथ। अच्छा, फिर आपने 2 साल के थे जब याद आना शुरू हो गया, सारा साफ साफ दिखा था या धुंधला धुंधला दिखा था? क्या मतलब कुछ भी ऐसे इमेज करने के बाद दिखा था या फिर जो याद था वो तो साफ साफ दिखता है। मम्मी याद थी, मम्मी का चेहरा साफ दिखा था। कुकर के बताया आपने, शुरू तो बताओ एक बार। मैं छोटा सा था तब, कोई अंकल आए थे तो उन्होंने पापा का नाम पूछा, तो मैंने पहले वाले पापा का नाम बताया था, उस वाले का जो वहाँ पर थे, तो उनका नाम था ओम प्रकाश, तो मैंने उनका नाम बताया था। तो वो बोले कि नहीं बेटा तेरे पापा का ये नाम नहीं है, तो मैंने जिद कर ली कि वही नाम है। उनके जाने के बाद मम्मी ने पूछा कि बेटा आप ये नाम क्यों बता रहे हो? हाँ। तो फिर बताया था कि मम्मी वो मेरे ऐसे ऐसे पिछले जन्म में थे, वो मेरे फादर, और तब बताया मैंने सारी बातें तब बताई थी मैंने। अच्छा। तो फिर मम्मी ने डांटा नहीं, उन्होंने किया है तो ऐसा नहीं होता? शुरू में तो विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, वहाँ पे जाने की जिद कर ली थी। अच्छा। तब थोड़ा लगा कि होगा। हाँ। तो ये बोले चलो भैया देख लेते हैं, क्या पता हो भी कुछ, तब लेके गए थे फिर। अच्छा जी। हाँ। तो स्टडी कितनी कर रखी थी आपने? 12th बी ए। ब्याह हो रहा था, कुआरे थे? ब्याह हो रहा था। अच्छा जी। तो जब उड़ गए तो फिर सारी चीजें पहचान ली आपने, कुकर के मतलब देखा शुरू में? शुरू में कौन सा काम था पहला आपका? पूट कला। अरीब कौन सा है? गोयला कला। तो पूट कला में आपने लेके गए? हाँ, लेके गए थे। हाँ। रास्ता मैंने बताया था, आपने बताया था? हाँ। कहाँ तक लेके गए थे कुकर के? गांव में चलने के बाद पूट के पास कराड़ा गांव, वहाँ पे मेरी बुआ रहती थी। अच्छा। तो पहले वहाँ पे गए, फिर वहाँ पहले वाली या ये वाली? अब वाली बुआ। अच्छा। हाँ, तो उनके पास गए, तो वहाँ पे मेरे फूफा साथ गए, फिर गांव में चले गए, वहाँ पे मैं जाके सारे घर पर पहचाने, मम्मी पापा ने गली में छोड़ दिया मुझे, बोले जा घर पहचान पहले अपने, तो मैंने घर पहचाने, तो मेरे फूफा मेरे काका को जानते थे, मेरे मम्मी पापा वहाँ पे रहते नहीं थे, तो
वैसे वहाँ पे जब मैं घर पहचाना था तो पीछे से मेरे काका आ गए, वो बोले मेरे फूफा से अक भाई यहाँ क्या कर रहे हो तू। तो वो मेरा फूफा बोला कि भाई ये छोरा नुनू का है, अब नुनू को मर गया था, एड घर है उसका। तो वो बोला भाई ये तो मारे हुआ था ऐसा कांड, तो पर बेटा के नाम था तेरा पिछले दिन में। तो मेरे काका ने मेरे से नाम पूछा मेरा, तो मैंने नाम बता दिया। वो बोला बेटा हम विश्वास कुकर करा, तो मैंने सारी चीज़ बता दी थी कि याडा भैंस बन जा कर, अरे याडा याडा मरे आ करते, याडा ट्रक खड़ा हुआ था, याडा ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, या आडा उस पड़ोस के पड़ोसिया के नाम बता दिए थे। तो वो जब उन्हें विश्वास हो गया था, फिर उन्होंने बताया कि बेटा तेरे मम्मी पापा शहर में रहे हैं, याडा ना रहते रो ही नहीं रहे हैं। फिर तम उड़े गए हैं। हाँ फिर उड़े गए। फिर उड़े जब उन मम्मी पापा तक मिला तो उनका के रिस्पॉन्स था, मतलब के कुछ बोले? पापा बीमार थे, मम्मी बालकनी में बैठ कर और बाल बाव थी। हाँ तो मैं जाके पीछे थे, वो जैसे चुंदड़ी उड़ा दी मैंने, तो मैं कही थी कि इसने ओढ़ लिया कर सारी, मैं तो पहला भी कहा करता है, तो यह बात कहती है मम्मी का अखा में पानी आ गया था। तो वो बोली, फिर उसने कई बार तो यूं हुई है कि वो है कौन, फिर मैं उड़ जाकर काका भी साथ था तो उन्होंने बताई सारी बात। तब उन्होंने होगा था कि हाँ हमारा ही है। फिर उन्होंने भी एक दो बात पूछी थी सी कि अक प्रूफ को क्रॉस का है, उन्होंने पूछी थी कि बेटा ऐसा कुछ बता। तो जब मैंने बताई थी कि संदूक में मेरी दो जीन्स की पैंट सिली रखी हैं और दो बनियान हैं, तो मतलब किसकी दूसरे की किसका पता होगा कि किसके संदूक का, तो क्या पता होगा कि दो पैंट है दो बनियान है। तो तुम उन्हें विश्वास हो गया था, तो मैं दो बाणा में एक हूँ यार गोयला कला में, तो मम्मी पापा का जी साली कट गया, अगर यो ताड़े रहेगा भाई भी और हो गया। तो फिर उड़े वाले जो मम्मी पापा थे ना, उन्होंने सोच समझ कर वे बोले बेटा यो घर भी तेरा ही है, आड़े भी आ जाया कर, पर देखी तू उड़े पैदा हो रहा है दो बाणा पे एक है, कोई उड़े रह ले, यो घर भी तेरा है, आड़े कदे आ जाया कर। तो नहीं ये बात, कितने साल के थे जब आप उड़े गए? मतलब पौने दो साल का था। अच्छा, जब ले गए थे। हाँ, और फिर आपकी बेबे तो आपके भाई तो नहीं मिले? बेबे की शादी हो गई थी, फिर बेबे भी बुलाई, फिर बेबे तो ही मिले, और भाई की बाद में शादी हुई है, भाई का लड़का है मेरे जितना, मेरे 3 दिन बड़ा है। 3 दिन बड़ा। हाँ मतलब सही आन जान सही है। हाँ सही है, सब सही है। और अंकल भी मौजूद है फिलहाल, आप तो पूछूंगी कि भाई देखो जब किसी ने नू कह दिया है कि भाई दूसरा जन्म होया है, यकीन भी ना होता है, और जब असलियत में बात हो जब है, देखो दो छोरी आप, आपका एक छोरा होया यू, आपका तो नू का जन्म थोड़ी सी लैगी भी होगी। हाँ बिल्कुल जी। तो उसका आपके बताओ। नहीं जैसे बेटे को हम वहाँ लेके गए ना, हम तो क्या लेके गए थे, ये हमारे को लेके गया था। हाँ तो जैसे ये वहाँ पे लेट गया था बेड के ऊपर। अच्छा। हाँ जी, पैर पे पैर चढ़ा के जैसे बड़ा आदमी लेटता ऐसे लेट गया था, और ये बोला कि पापा आप जाओ और जो है ना मैं तो अपने बाबू के पास रहूँगा, उनको पहले वाले जो पापा थे उसको बाबू बोलता था ये। हाँ तो बोला अगर जो ना मैं वहाँ भी आता रहूँगा। हाँ। तो हमारा तो दोनों इसकी मम्मी का और मेरा तो जैसे जी निकल गया, अभी दो बेटी के ऊपर हुआ था ये यहाँ रह गया। हाँ तो एकदम जैसे भाई थोड़ी फीलिंग तो बहुत ज़्यादा हुई थी। हाँ, तो फिर इसके पापा ने इसको समझाया बेटे तुम वहाँ भी यहाँ भी आ जाया कर, वहाँ भी रहा कर बेटे, ऐसा नहीं लगा था, वहाँ दो बेबे हैं, वो तेरी दादी जी भी हैं, तो वहाँ देखो परिवार है, हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, पता तो चल गया हमारे को, पता चल गया, बड़ी खुशी हुई हमारे को भी। उसके पापा ने बोल बाल के समझा समझे गए तब हमारे साथ भेज दिया था। तो फिर आपने, आपका कितने बच्चे हैं अभी? अभी दो बेटी हैं एक बेटा है। ब्यार दोनों का? नहीं बेटी की एक बड़ी वाले की शादी कर रखी है मैंने। अच्छा, एक छोटी है। हाँ जी छोटी बेटी, वो अब फाइनल में है वो, और ये बेटा ये 11th। तो ये वो जो पिछले वाले मम्मी पापा आंदे जांदे रो आन जान जो कर लो? हाँ यो जाता है वहाँ मम्मी के पास भी जाता है, छुट्टियों में घूम के आता है वहाँ पे, उनके साथ रहता है, भाई है, सिस्टर है, हाँ मम्मी है, वो बोड़िया है, जैसे वो भी आते हैं, बच्चे भी जाते हैं, ये भी जाता है वहाँ। अच्छा कदे उन्होंने फिर नू कहा कदे और कि भाई तुम्हारा रह लगा साल दो साल में? इस तरह की ऐसी कोई नहीं बेटे, ऐसी कोई बातें नहीं की कभी भी उन्होंने। देखो मैं तो उनका ये ये मान लो ये उनके अच्छे इंसान हैं, या फिर थोड़ा बहुत उनके साथ साथ हमारे में भी अच्छाई आ गई हो सकता है। अजूकर अंकल जी दे उन्होंने बता। हाँ तो उन्होंने कभी इस तरह की बातें नहीं की हमारे से।
जोकर अंकल जी दे उन्हें बताओ कि भाई पिछले जन्म में मेरा रेल पर नीचे कटने तय मौत हुई थी और किसी ने धक्का दिया था, आपने कुछ जांच पड़ताल करने की या फिर उन्हें ना कुछ? नहीं बेटे, मैंने तो देखो कोई जांच पड़ताल करने की, क्या जांच पड़ताल करने की, बताओ ना, जब रेल से किसी ने पीछे से धक्का ही दे दिया मान लो, तो उसमें नहीं तो इसको पता नहीं, हमारे को पता तो हमारे को तो क्या पता होता है, हमारे को तो इसी ने बताया। और हम तो देखो थोड़ा जैसे आर्य समाज से थोड़ा टच से मैं रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा आर्य समाज के रूलों पर चलने की, लेकिन इन बातों में विश्वास नहीं करते थे हम कभी भी कि पुनर्जन्म भी होता है, ये अंधविश्वास मानते थे जैसे मैं भी मानता था खुद। लेकिन जब हमारे ऊपर जो बात बीतती है, मैंने पिछली वीडियो में ही बताई थी, मैंने जो पहले वीडियो हुई थी एक बार, तो उसमें मैंने बताई थी कि भाई जो हम विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हमारे जब ऊपर ये बात बीतती है ना, हाँ, तब पता चला जी गठड़ी में कितना वजन है, जो सर पे वो वजन रहता है ना, तब पता चलता है कि गठड़ी में मतलब जो है कितना वजन है, तो तब पता चला हमारे को। तो फिर परेशान रही जी काफ़ी दिन तक, हाँ। और अब भी थोड़ी जैसे भाई जैसे ज़्यादा वीडियो वीडियो बनवा देते हैं ना जी, बना लेते हैं। मैं DTC में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में मैं ड्राइवर हूँ जी, हाँ जी। तो अब मैं जैसे सुबह टाइम से उठता हूँ, 3 बजे उठ लेता हूँ मैं, और जो ना 4:30 बजे मैं घर से निकल जाता हूँ। भैंसों का भी काम करना पड़ता है थोड़ा बहुत, इसकी मम्मी को थोड़ी दिक्कत रहती है, हाँ, इस उसका चेकअप के लिए आज आए थे यहाँ पे, और ये तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी मशीन ला रखी है, हाँ, तो इसमें पूरे डाटा दे दिए। वो तो जैसे जमींदार भी करते थे, और अपने वो कुछ जैसे गाड़ी घोड़े का भी काम था उनका खुद का, हाँ। तो ये देखा भाई, ये मम्मी है, पापा है, ये मम्मी है, और ये वो छोरा है जो उनसा का जन्म दोबारा हुआ है। तो अंकल हमारे दर्शकों ने लास्ट में क्या कहना चाहोगे आप? ऐसा है जी, अब जैसे बेटे को थोड़ी ही तकलीफ हो जाती है जी, ज़्यादा पिछले जन्म की ये बातें पूछने से, मैं तो मेरी तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आगे से मेरे पास में कोई भी जो ना इस तरह के जो ना ये वीडियो के लिए ना कहे मेरे से, क्योंकि मेरे बेटे को थोड़ी दिक्कत हो जाती है जी, और मेरा कि आप सभी का बेटा है, बिल्कुल जी, बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो इससे मेरे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आगे से मेरे से इंटरव्यू लेने की कोई बस ना करे। चलो भाई, अंकल ने कहा है कि भाई इव हमारे लिए बातचीत हो रही थी, अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी फैमिली, मतलब अंकल ने कहा है कि भाई और कोई अगर यह वीडियो देखता हो तो भाई ना आए, मतलब आंटी आपके कहोगे दर्शकों ने? ऐसा है, जो एक तो पढ़ाई चल रही है बच्चे की, 11th क्लास में है, और फिर वो बात याद आ के दिक्कत हो जाती है, तो हम आगे से वीडियो बनवाना पसंद नहीं करते हैं। 10 दिन तक अभी ये थोड़ा परेशानी में रहेगा, 10-15 दिन ऐसा है, आगे से वीडियो ना बनाए, वीडियो ना बनाए कोई भी, मतलब नुको आंटी की भाई और कोई ना वीडियो बनाने के। भाई तू क्या कहेगा फिर? मैं तो ये कहूँगा भाई, जो भी वीडियो देखा है प्लीज आगे तो मत आइयो, आगे कोई आइयो मत, मैं परेशान हो जाऊं, उधर मेरी मम्मी के पास बात जाए जो पहले वाली है, वो भी फिर उनका भी दिक्कत हो जाए थोड़ा बहुत, वो बीमार रहती हैं, वो एज ज्यादा हो चुकी है उनकी भी। सही कहा भाई, ऊपर तक पढ़ाई भी करा है देखो, और पढ़ाई लिखाई में देखो, माँ बाप तो चाहो हमारा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बन जावे, उसके बाद वीडियो तो बन दी रहा करे। तो फिलहाल हमने मिल गए थे अंकल आंटी, तो हमने थोड़ी ही वीडियो बना ली है, ज्यादा हमने भी बातचीत की है, क्योंकि देखो बंदा पिछले जन्म की गहराई में चला जावे, बेरा नहीं के बात मुँह तक लिकट जावे है, मानसिक जो संतुलन है ना वो अप डाउन होता रहता है, फिर वो तो कई दिन 10-15 दिन तक तो जैसे बेटा है ना ये थोड़ा हमायूसा रहेगा, कभी थोड़ा बहुत मुस्कुरा दिया तो मुस्कुरा दिया, नहीं तो हंसना तो बस बंद है। बिल्कुल सही कहा अंकल, क्योंकि हम भी बातचीत कर रहे थे बीच में, करते अंकल भी थोड़े इमोशनल हो गए थे, तो हमने वीडियो में देखा भी होगा, तो इसी कोई बात ना लिखट जाए या फिर ऐसा कोई सवाल नहीं लिखट जाए भाई, जिस तरह की भाई बंदा जो है मानसिक संतुलन खो बैठा है, रोन लाग जाए या फिर कोई भी सी बात हो, तो पूरी वीडियो देख ली होगी। फिलहाल हमने भी यकीन नहीं था, अरीब अंकल आंटी तरिंता मिलकर यकीन आ गया कि भाई हाँ पुनर्जन्म का भी कुछ ऐसा किस्सा हकीकत में हो सका है, हालांकि फिल्म में तो सारे कम है, हकीकत में हमने खुद ही देख लिया है। तो तारा के विचार है, तो हमने तारा के कहना है कि भाई वाकई में या फिर इसी घटना तारी कोई जगह पर हुई हो तो कॉमेंट में जरूर बताइयो। मैं फिर मिलूंगी तो हमने किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत, राम राम।